आगे अब चले जाओ, S535 जाइए, S535 चाय देना भैया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई जर्नी में। आज हम ट्रैवल करेंगे बरेली से दिल्ली जंक्शन तक। तो दोस्तों आज हम उस ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं जो पिछले 3 महीने से बंद चल रही थी। जी हाँ, ट्रेन नंबर 05909 अवध आसाम एक्सप्रेस। तो फ्रेंड्स चलते हैं स्टेशन के अंदर, बाकी बात स्टेशन के अंदर करेंगे आपसे। ये देखिए मैं कहाँ खड़ा हूँ, बरेली जंक्शन के पार खड़ा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं। चलते हैं अंदर, बाकी बात अंदर करते हैं आपसे। S535 S535 तो दोस्तों हमने स्टेशन के अंदर एंट्री कर ली, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, क्योंकि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। बाकी इसकी जानकारी हम आपको वहीं पर देंगे प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, जो कि आपको सामने दिखेगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, वो है सामने प्लेटफॉर्म नंबर 2 फ्रेंड्स। और ये ओवरब्रिज से जाएंगे फ्रेंड्स। ये एस्केलेटर हैं जो मैंने कभी चलते हुए देखे ही नहीं है, हमेशा बंद रहते हैं। चलाना चाहिए इन रेलवे को, इन एस्केलेटर को अगर लगाया है तो। ओ आपको एक ओवरब्रिज से पूरे बरेली जंक्शन का व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, ये 2 और ये 3, सामने 4 और 5 6। सामने वो सामने आपको दिख रहा होगा वो NER यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो सामने आपको ट्रेन खड़ी दिख रही है और 4 प्लेटफॉर्म NR यानी उत्तर रेलवे के। बरेली जंक्शन पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म हैं और इसका स्टेशन कोड है BE। फ्रेंड्स अगर मैं इस ट्रेन के बारे में बात करूं तो ये ट्रेन इंडिया की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ट्रेन है, क्योंकि ये डिस्टेंस टोटल कवर करती है डिब्रूगढ़ से लालगढ़ अराउंड 3100 समथिंग किलोमीटर। और ये डिब्रूगढ़ से चलती है सुबह 10:20 पर और डे 4 लालगढ़ पहुँचती है सुबह 4:10 पर। और फ्रेंड्स बरेली इसका आने का टाइम सुबह 10:27 का है और दिल्ली पहुंचने का टाइम इसका है दोपहर में 3:55 पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये खड़ी है बरेली दिल्ली, जो कि पहले पैसेंजर बनकर चलती थी, अब ये एक्सप्रेस मेल एक्सप्रेस बनकर चल रही है। बरेली दिल्ली बाया चंदौसी होते हुए जाती है नए नंबर के साथ, नए रूप के साथ, आपको दिख रही होगी। तो ट्रेन का आगमन होगा तो आपको ट्रेन का आगमन ज़रूर दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ स्लीपर क्लास में, मेरा कोच नंबर है S5, सीट है 36। तो आज 3 महीने के बाद पहली बार अवध आसाम एक्सप्रेस आ रही है बरेली जंक्शन पर। हालांकि ये बहुत ज़रूरी ट्रेन है, यात्रियों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी इसको बंद करने से, गवर्नमेंट ने इसको रेलवेज ने कोहरे के कारण बंद कर दिया था। तो अब 1 मार्च को ये चली थी डिब्रूगढ़ से और अब 3 मार्च को जब मैं जर्नी कर रहा हूँ तो ये फिर पहुँच रही है बरेली आफ्टर 3 मंथ। तो बस इंतज़ार है ट्रेन का और आपको एक धमाकेदार जर्नी के लिए तैयार रहिए। हाँ दोस्तों इस ट्रेन से मैं ट्रैवल कर चुका हूँ बरेली से मुरादाबाद तक, दिल्ली तक नहीं। तो आज आपको दिल्ली तक यात्रा मिलेगी तो और मज़ा आएगा। इट्स 10:13, स्टिल 26.7 मिनट लेफ्ट टू द ट्रेन।
तो फ्रेंड्स WAP-7 के साथ आती हुई हमारी अवध असम एक्सप्रेस। तो देखते हैं अपना कोच S5, चलते हैं भैया आगे की तरफ। तो 3 महीने बाद अब आती हुई ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी। तो फ्रेंड्स हमने बोर्ड कर लिया है ट्रेन में, अब जब डिपार्चर होगा तब आपको डिपार्चर दिखाएंगे। ट्रेन अभी खड़ी हुई है बरेली जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। फाइनली वी हैव डिपार्टेड फ्रॉम बरेली जंक्शन। सामने वेसन पानी आता हुआ और कम कम सामने मिरर कहाँ जाओगे बेसिन सामने मिरर डस्टबिन। तो फ्रेंड्स हम आ चुके हैं वाशरूम में, सामने एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ है आप देख सकते हैं, लेकिन ये जो टैब है इसमें पानी तो आ नहीं रहा है और सामने गंदा भी कितना आप देख सकते हैं, बहुत गंदा है। हालांकि नीचे तो ठीक है कुल मिलाकर, लेकिन फिर भी मैं आपको नीचे नहीं दिखाता, एकदम फर्स्ट क्लास है, लेकिन बस इसमें पानी नहीं आ रहा आप देख सकते हैं। नीचे पानी आ रहा है क्या? नीचे पानी आ रहा है, तो कुल मिला के ठीक है, चलते हैं बाहर। वाशरूम ठीक था लेकिन उसमें पानी नहीं आ रहा था और वो बेसिन जो था उसमें थोड़ा गंदगी थी, बाकी नीचे तो कंडीशन एकदम फंटास्टिक थी क्योंकि काफ़ी दूर से ट्रेन ट्रेवल कर चुकी है, अब तक ठीक थी कंडीशन। तो एंजॉय कीजिए जर्नी।
नहीं देंगे, उनको बताने नहीं किसको देंगे, हम दूसरे को भेज देंगे, हमारे पास कस्टमर खड़े हैं। ठीक है, तो मैं ठीक तो हम पहुंच चुके हैं अपना पहला हॉल्ट रामपुर जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है RME। यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है। फ्रेंड्स डिपार्चर फ्रॉम रामपुर। अभी तक बरेली से फ्रेंड्स बहुत आराम आराम से ट्रेन आई है रामपुर तक। देखते हैं आगे कैसे ट्रेन ट्रेवल करेगी। और रामपुर लेकिन पहुंची है ऑन टाइम ही है। बरेली और उससे पहले शाहजहाँपुर तक ये B4 पहुंच रही थी, शायद उसी लिए आराम आराम से लाया जा रहा है इस ट्रेन को। चलिए इन्जॉय कर दिए आगे की जर्नी। काफ़ी प्राचीन बिल्डिंग है ये।
हम पहुंच चुके हैं अपना सेकंड हॉल्ट मुरादाबाद जंक्शन। ये अपने आप में एक रेल मंडल है, इसका स्टेशन कोड है MB और यहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म है। और फ्रेंड्स, ये ट्रेन यहाँ पे लगभग ऑन टाइम पहुंची है और रामपुर के बाद से ट्रेन बढ़िया चली है। ये चाय देना भैया। पहुँच चुके हैं अपना थर्ड हॉल्ट अमरोहा, इसका स्टेशन कोड है AMRO। यहाँ पर 2 प्लेटफॉर्म है और इसे ओपन किया गया था सन 1885 में, यानी काफ़ी पुराना स्टेशन है ये। यहाँ पे 2 मिनट का हॉल्ट है। Thank you.
दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी जर्नी का फोर्थ हॉल्ट हापुड़ जंक्शन। यहाँ का स्टेशन कोड है HPU। यहाँ पर 5 प्लेटफॉर्म है और ये जंक्शन इसलिए क्योंकि यहाँ से एक ट्रैक चला गया है मेरठ के लिए, खुर्जा के लिए भी यहाँ से आपको ट्रेन मिल जाएगी और एक ट्रक सीधे दिल्ली के लिए निकल गया है। यहाँ पर 5 मिनट का हॉल्ट है, जब ट्रेन डिपार्ट होगी तो आपको डिपार्चर जरूर दिखाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम पहुँची है, बिल्कुल ऑन टाइम ट्रेन चल रही है, बिल्कुल पंक्चुअल है। इस बात से जो है यात्री काफ़ी खुश होंगे और होने भी चाहिए। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपना छठा हॉल्ट गाजियाबाद जंक्शन। इसका स्टेशन कोड है GZB। यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और इसे ओपन किया गया था इन द ईयर 1865। इसे इलेक्ट्रिफाइड किया गया था इन द ईयर 1971-72 में। तो यहाँ पर ट्रेन 5 मिनट बिफोर पहुँची है फ्रेंड्स। तो देखते हैं यहाँ पर क्या माहौल है और आपको भी दिखाते हैं। फ्रेंड्स मैंने 6th हॉल्ट इसलिए बोला क्योंकि मैंने पिलखुआ स्टेशन कवर नहीं किया था, उसके लिए सॉरी। तो ये आपको दिखाते हैं गाजियाबाद स्टेशन पर इसमें क्या माहौल है। और यहाँ पर लगभग चाइनीज़ कोविड से पहले 500,000 पैसेंजर्स डेली ट्रैवल करते थे, अब तो कुछ कह नहीं सकते।
फाइनली दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन दिल्ली जंक्शन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली जर्नी में, और अब ऐसे एक्सिट करेंगे। तो मिलते हैं अगली जर्नी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ दोस्तों, इसने बिल्कुल ऑन टाइम 3:55 पर पहुँचाया है, तो थैंक्स टू दिस ट्रेन, सो गुड बाय।